हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है, आज का मतलब वीडियो होने वाला है, एक ड्राइंग वीडियो। तो आज हम ड्राइंग करने वाले हैं एक एनिमी। तो मैं बेसिकली एग्जाम्पल के रूप में बनाऊंगी, लेकिन आज हम यूज़ करेंगे हमारा 120 सेट का अल्कोहल मार्कर और इसको यूज़ करेंगे। तो ये मैंने बहुत उम्मीद है, अभी तक मैंने एक भी ड्राइंग नहीं बनाई है, तो इसे ट्राई करते हैं। और गाइस हियर वाज अ लुक, ओह माय गॉड! और इस लुक को देखो, ये 120 अल्कोहल मार्कर। तो फर्स्ट टाइम मैं अल्कोहल मार्कर यूज़ कर रही हूँ और ये वाला भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। तो चलो इसे ट्राई करते हैं। और मेरे पास एग्जाम्पल है, मैंने पहले से बना के रखा है, ट्राई करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। चलो। सो गाइस हियर इज़ माय 120 सेट्स ऑफ मार्कर, और जिसमें मैंने अपने कलर चार्ट्स भी बना लिए हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा एग्जांपल्स ऑफ एनिमी जो मैंने ड्रॉ किया है। प्लस मैंने मार्कर्स पहले से सेलेक्ट कर लिए हैं कि मैं इस ड्राइंग के लिए कौन से मार्कर यूज़ करूँगी। प्लस मेरे पास आउटलाइन के लिए फाइन मार्कर्स भी हैं। सो गाइज़ हेयर इज़ माई हैंडमेड कलर चार्ट जो मैंने खुद बनाया है, उससे सेलेक्ट करके जो मैंने कलर देखे हैं। तो अगर आपके पास ये हैंडमेड कलर चार्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अल्कोहल मार्कर्स में, बिकॉज द चार्ट वॉज इम्पॉर्टेंट। और यही सेलेक्ट करता है कि आपकी एनिमीज़ में या कोई ड्राइंग में कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इतने सारे ग्रुप ऑफ सेट्स में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कलर किस कलर का है। क्योंकि अगर आप येलो को ही लें तो येलो के ही बहुत सारे शेड्स होंगे, आप नहीं डिसाइड कर सकते। बिकॉज ऑफ दिस चार्ट यू हैव अ ऑप्शन कि आप कलर को चूज़ करके जौन सा कलर आपको पसंद है उस कलर को आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिस शेड्स को आप सेलेक्ट करेंगे वो बाय द चार्ट आप देख सकते हैं। ये वाला शेड आपको पसंद आया तो आप इस वाले शेड को सेलेक्ट करके देख के चार्ट में से बाय द हेल्पिंग ऑफ चार्ट आप देख के अप्लाई कर सकते हो। और दिस वाज अ इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ चार्ट। सो गाइज़, अगर मैं इस एनिमी की बात करूँ तो इस एनिमी के लिए मैंने हेयर का कलर चूज़ किया है ब्लू। प्लस मैंने इसमें लाइट बिल्कुल लाइट ग्रे का यूज़ किया है फ्रॉम द हिज हेयर शेड करने के लिए। और प्लस इसमें मैंने डार्क ब्लू का यूज़ किया है फ्रॉम द हेयर, जिससे हेयर और भी शेड में नज़र आए। सो गाइज, इसकी ड्रेस है एकदम फॉर्मल वाइट विद अ ब्लैक शेड, तो मैंने इसमें ब्लैक शेड किया है। और अभी मैं कर रही हूँ फेस। तो कलर करने का ये तरीका होता है कि पहले आप लाइट कलर कीजिए, उस पर शेड करने के लिए आप डार्क स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका ये फेस और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मैंने लिप्स का कलर कर लिया है और माउथ कर लिया है, प्लस इसकी सीक्रेट भी कर लिया है। और ये जैसे कि ब्रेसलेट देख रहे हैं, गोल्डन विद अ रेड ग्रीन। और अभी मैं करने वाली, वैसे वाइट का दिखता नहीं, लेकिन मैंने वाइट भी तब भी यूज़ किया है फॉर दिस हर शॉट, जिससे ये और भी अट्रैक्टिव लगेगा। और वाइट का कलर आप देख चुके हैं, जिसमें मैंने करने के बाद इसमें डिटेलिंग ऐड की है, क्योंकि कलर के बाद पहले लाइट डार्क्स, उसके बाद डिटेलिंग ऐड करती है, जिससे और अट्रैक्टिव लगता है। मैंने आइज़ के लिए उसके हेयर जैसे कलर चूज़ किए हैं, उसके बाद मैंने आँखों पे डिटेलिंग की है। और गाइज हेयर इज़ माई फाइनल लुक, और दिस वॉज माई फाइनल एनिमी लुक। और चेकआउट दिस, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना। सो गाइज़, आपको ये वाला एनिमी कैसा लगा विद माई 120 अल्कोहल मार्कर्स? तो इन दोनों को हैंडल करना वैसे भी दो हाथ में मुश्किल है, लेकिन मैंने इन 120 अल्कोहल मार्कर से एक ये रफ ड्राइंग बनाई है, जैसे कि इस तरीके से है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और होप सब अच्छा हो। तो बाय बाय।